टोपी 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 ओ मिल गई टोपी, क्योंकि नमाज में टोपी का पहनना जरूरी है। जानमत भी ये रहा, इधर ही पड़ा हुआ, क्योंकि भाई हमारा सारा सेटअप इधर ही लगा हुआ होता है, तो हम इधर ही टोपी और जानमत रख लेते हैं। अब नमाज पढ़ती है तो हम लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि नमाज के दौरान बात नहीं करता। A few moments later नमाज पढ़ ली जानमत, मैंने यहाँ रख दी है। मैं करा दूँ अपनी टेबल का टूर तुम लोगों को, तुम लोग देख सकते हो कबाड़ से भरी पड़ी है, जिसमें दो आदत हमारे पास हेडफोन है, एक बुक पड़ी हुई है माजी की जो हमारे काम की नहीं है, हम कलर पेंसिल कलर जो होते हैं, लैपटॉप पड़ा हुआ है, नोट्स पड़े हुए हैं, पेन, हाथों के मोजे, मैं तुम लोगों को शायद ब्लॉग में दिखाया होगा कभी, चश्मा पड़ा, स्केल, चार्जर लैपटॉप का, ये मेरी ये दवाई, तुम लोगों को लग रहा तो फजूल सी चीज़ होगी, लेकिन ये अगर मैं नहीं करता ना दवाई को, तो फिर मैं तुम लोगों के सामने नहीं आ सकता ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि भाई ये मैं जब नाक में डालता हूँ ना, तो इससे मतलब स्प्रे होता है इसका नाक के अंदर, तो इससे छींकें नहीं आती, तो ये थोड़ी एलर्जी की दवाई है, तो इसको साइड में रख देते हैं। घड़ी पड़ी हुई नैन, तो ये बिखरी हुई टेबल है, और साथ ही साथ दूसरी टेबल बिल्कुल साफ उतरी खाली खाली लग रही है ना, ये होती है टेबल, ये चलो भी खाना खाते हैं। खाना वगैरह मैंने खा लिया, 3 बजे मैं बिल्कुल फारिग हो गया हूँ, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मम्मा का कोई काम है, बाजार चलते हैं, पहले काम वगैरह करते हैं, फिर चलेंगे ऑफिस, क्योंकि भाई ऑफिस आने आने में देर लग जाती है। एक तो कपड़े वाली दुकान का काम था, तो मम्मा कपड़े ले रही हैं, तो मेरा तो कोई काम नहीं ना, तो कपड़े लेती हैं फिर चलते कहीं और। फाइनली 4 बजे फारिग, बिल्कुल काम से गए थे बोर्ड वाले पे, और थोड़ा बहुत ये काम था, तो वो हो गया है मम्मा का, बस अब बंद कर देते हैं। सामने घर बन रहा है, तो बोला टू 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 हो गई है, फिर बाजू का उन्होंने देखा, तो जैसा कि अभी ऑफिस में पापा नहीं है, तो पापा कराची गए हैं, बाहर सारे कस्टमर वगैरह डील कर रहे हैं लड़के, तो मैं बाहर बना बैठा था, अब तुम लोग सारे काम काज करके, तो अभी टाइम हो गया 5:45 काम करते करते, और रात भी होने वाली है, थोड़ी देर में बाहर क्लोजिंग वगैरह हो रही है, तो मैं अंदर बैठा हूँ, उस वजह से काम। A few moments later, गाइस फाइनली फारिग हो चुका हूँ ऑफिस वगैरह से, और मैं जा रहा हूँ एक फ्रेंड को लेने, मिला तो उसको, उसका नाम क्या था, पट्टी, ड्राइवर समझ लिया है यार, बोला भाई तू कहीं पर भी आ जा लेने के लिए, लेने जाते हैं यार, चलो यार चलो 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 यार, अब वापसी आना पड़ा है, तो चलते हैं, अब आ गए थे, कोई काम था इसको शॉपर को लेने, शॉपर भूल गया क्या, इसको लेने आया था, ड्राइवर समझाया क्या तूने, ड्राइवर की तरह भाई, यहाँ कोई ये क्या है भाई, पानी आ रहा है ऊपर से, ओए वो पाइप से आ रहा है भाई, अगर आप लोग दिख रहा हो पानी आ रहा है भाई, बारिश कर रहा है तो फ्री, ओ भाई इसे ड्राइवर समझावा, यकीन करो भाई, कहाँ पर है, आ जा अरे भाई फाइनली घर पे भी है, मोड़ी ये लेटा हुआ क्यों है, ये क्या टिकटॉक ये है, अच्छा मार लगी है इसकी, मार लगी है, ओ एक 2-3 गेम ओवर, ओ क्या लेटा हुआ कि भाई बैठ, बात सारी प्लानिंग हो रही है प्रोग्राम की, भाई तुम लोगों को इस व्लॉग के अंदर खुशखबरी देता चलूंगे भाई, आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर हमारे घर पर आ रही है शादी, तो बड़ा मजा आने वाला है, जिसकी सिलसिले में मैं जा रहा हूँ 1-2 दिन के लिए कराची, जिसके आज है वेनेसडे, तो वेनेसडे तो 4-5 दिनों के अंदर तुम्हारा भाई आ रहा है कराची, और कराची के अंदर मैंने तो घर में पिला दिया था, पिछले 2 महीने से मैं लगा पड़ा हूँ, मैं कराची जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया, खैर अभी मैं अपना मंडे को जाऊँगा, पता नहीं संडे को जाऊँगा, जब भी जाऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों को साथ देके जाऊँगा, जरूर बनाएंगे, हाँ मेरी नहीं है यार, और हाँ मैं तो बता नहीं बोले किसकी, तो भाई मेरी 2 सिस्टर की शादी है, जो कि बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा इंजॉय होने वाला है, और बोल रहा हूँ 1 बजे की शादी है, जो कि कभी हो नहीं समझ, बाकी बाकी सीन तो जैसे कुछ नहीं करता भाई, रियलिटी व्लॉग है, यहाँ पे कोई स्क्रिप्टिंग वगैरह नहीं हो रही, कौन काटता है, मैं तो भाई आ जाता हूँ सुबह उठ के, तो भाई तुम लोग इस व्लॉग के साथ साथ और हमेशा की तरह जुड़े रहो, और अभी से कर लो लाइक और सब्सक्राइब, थोड़ी देर का और व्लॉग है उसको और इन्जॉय करते हैं, बाय बाय। 7 बज चुके हैं और बिल्कुल घूप अंधेरा हो चुका है घर के, लाइट तो तुम लोगों को पता है जैसे कि होती ही नहीं है, हमेशा 2 घंटे आती है 2 घंटे जाती, तो ये सीन है, तो भाई अभी मैं बनाने लगा हूँ सैंडविच अपने लिए, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, सैंडविच पसंद है यार, रखी हुई है हमारे पास, कबाब का मसाला भी रखा हुआ है, फ्रिज से निकालते हैं जल्दी से कबाब सैंडविच में, मसाला 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 ओड़े ओड़े मसाला, कबाब को मसाला, कबाब को मसाला, कबाब को मसाला, आओ भाई साहब, अपन को क्या है 2 कबाब बनाने और सैंडविच बनाना है, ज़बरदस्त किस्म का टेंशन नहीं है, अभी केचप लेके आते हैं, केचप यार इधर तो नहीं है, इधर भी नहीं है यार, लग रहा है मायोनीज पड़ी है।
मायोनीज काम आएगी। तो खैर इससे काम चलाते हैं, केचप मैं लेके आता हूँ बाहर से। फाइनली केचप मिल गई है, मतलब कल ही राशन आया है भाई। चलो भाई चलो इसको पकड़ो और अंदर चलो। तो भाई मैंने अपना कर लिया लाइट का इंतजाम, जो कि बिल्कुल भी लाइट तो है नहीं पाकिस्तान में, तो छोड़ो यार उसको। बाकी भाई अभी हम लोग बनाने लगे हैं सैंडविच, अभी इसको चलाना है चूल्हा सबसे पहले। तो फाइनली लाइट आ चुकी है, तो एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, एक रिंग लाइट यहाँ पे लगा दी, क्योंकि रोशनी फराम हो सके हम लोगों को। मैं निकालता हूँ ब्रेड सबसे पहले, तो क्योंकि भाई हमें ब्रेड की ज़्यादा नीड है, क्योंकि सैंडविच में तो भाई ब्रेड ही लगी सबसे पहले। भाई चलाते हैं चूल्हा। तो भाई चूल्हे के लिए आग तो मैंने माचिस तो जला ली है, बाकी मुझे डर बहुत लगता है। और राजीव माचिस तो चला ली है, एक और लगा जाएगी बारी में, बाकी मुझे पता वो चल गई, वो डर लगता है सीनियर साहब बात है। तो भाई अभी थोड़ा ऑयल डालेंगे इसमें, थोड़ा बहुत गर्म होगा इतनी देर अपन ब्रेड के पीस काटते हैं। तो भाई अभी मैं निकाल रहा हूँ फिलहाल दो पीस, क्योंकि मैं अपने लिए बना रहा हूँ और अच्छा सैंडविच बन जाएगा दो पीस के अंदर। पहले दें यार गर्म होंगी, इसको रखते हैं पहले ही गर्म होने देते हैं। मैंने अभी डाल दी कबाब की टिक्किया बना के इसके अंदर, और इसको पलटा मारना है, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है भाई, सेंटीमीटर उछलते हैं, घंटे की आवाज़ें आ रही होंगी तुम लोगों को भी। बाकी ब्रेड गर्म बाद में करेंगे, क्योंकि कबाब डले हुए ना यार। फाइनली हमारे कबाब के अंदर ब्राउनिश कलर आ चुका है, देख सकते हो भाई आप लोग। भाई तुम्हारा भाई प्रोफेशनल शेफ है, तुम देख रहे हो ना, तीन तीन दिलिया मैंने जला के चूल्हा जलाया पहले तो, और फिर मैंने सेटिंग की है। अभी भाई केचप भी हमारे पास, मायोनीज भी और केचप भी और चटनी भी है, तो बड़ा मज़े का सैंडविच बनने वाला है। और अभी ब्रेड गर्म होगी, ब्रेड अभी बिल्कुल ठंडी है, और कबाब का मसाला ही शॉपर बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई घर वाले भी तो खाएंगे सर, अभी थोड़ी खाएंगे। तो फाइनली तुम्हारे भाई के कबाब बिल्कुल रेडी है, और ये छिंटा उछाड़ने मेरे कपड़ों पर आया, तुम जैसे तो वाजे नज़र आ रहा हो तुम लोगों को, तो छिंटा उछला और मेरी हालत टाइट हो गई थी, अचानक से होती है, एक सेकंड के लिए होती है, लेकिन अब सही हो गए। कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके भाई, इसको नीचे उतारते थे या फिर एक पलटी दे देते हैं इसको, क्योंकि थोड़े से नरम नरम निकाल रहा हूँ मैं तो प्लेट के अंदर हो रहा है, तो लग रहा है ऑयल ज़्यादा लग गया। तो शेप देख रहे हो तुम्हारे भाई यार, अभी मैं काट रहा हूँ इसकी किनारियाँ, क्योंकि ये सैंडविच में पसंद नहीं की जाती हैं, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कड़क कड़क होती है ना, लेकिन है तो नरम। अरे ब्रेड ही छोटी हो गई इसकी वजह से, तो असल में ब्रेड थोड़े छोटे साइज वाली थी ना, ब्रेड हम खा लेंगे बाद में, मसला नहीं है, ज़ाया नहीं होंगे, ज़ाया नहीं करेंगे शॉर्ट। भाई थोड़ा सा इसकी गलेगा ऑयल, गलेगी नहीं इससे, इसे ये दबाएंगे थोड़ा सा उसको और पलटी मारेंगे, वो इसमें तो ऑयल चिपक गया, ये चलो गर्मा लगाएंगे इस प्लेट में। भाई क्या बन गया ये, मैं सैंडविच बनाने आया था कुछ और, देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो भाई मैं तो बनाने आया था यहाँ पे सैंडविच, लेकिन इसका बन चुका कचूमर, बिकॉज ऑफ ये ब्रेड की किनारी काटनी की वजह से ना वही है। खैर अभी उसको थोड़ा सा जुगाड़ लगाता हूँ, फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ क्या बना। एक लेयर लगाने लगे हम लोग एक कबाब की, जो कि लोडेड सैंडविच बनाएंगे, लोडेड वापसी से ब्रेड लगा दी है। तो भाई अब लगाने लगे हैं चटनी की लेयर, ओए 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 ओए, हाथों से मिला रहा हूँ क्योंकि भाई अबे कबाब की प्लेट ही गायब है। तो भाई यहाँ पे एक और लोडेड के लिए सामान आ चुका है, पीस लगेगा भाई, इतना सा हो गया यार मेरे आधे बाइट गए तो ये क्या सीन है, अरे उल्टा लगा दिया ये ऐसे। भाई बाहर जाओ आप लोग, एक और फिर केचप, ओए 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 केचप देख लो कैसे लटक रही है, एक और फिर कबाब का लोडेड पीस, अबे गिर गया यार इसकी मंजिल है, बुनियादें अच्छी नहीं है इसकी, जैसे तुम लोगों की नहीं है, करियर के बारे में सोचो पागल। तो भाई ये तैयार हो चुका है हमारा लोडेड सैंडविच, ये तो एक बाइट का, लेकिन ये इतना लोडेड है ना, तो मैं खाऊंगा ना मेरा पेट जरा भी नहीं भरेगा, तुम लोग खाओगे भर जाएगा शायद। तो मैं इसका फर्स्ट बाइट लेने लगा हूँ, और तुम लोग बताना मुझे, लाइव पकड़ो का भाई फर्स्ट बाइट, जो कि मुझे तो बड़ा वाइबी लगा है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, छोटा अब वो अलग बात है, कैमरे में कुछ और लग रहा है, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त, तुम लोग बड़ा ट्राई करना। मैं तो अपना चैनल भाई कल से तो अपना नाम रख रहा हूँ अपने चैनल का, मिस्टर रहमान फूड व्लॉगर, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई इतने अच्छे से तुम्हारे खाने बना के दिखा रहा है, अनबिलीवेबल, मज़ा आया। मैं खाता रहूँगा इसको, तुम लोग करते हैं इसी के साथ व्लॉग, नहीं मैं करता हूँ इसी के साथ यहाँ पर व्लॉग को एंड, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए हाफिज़। और कल वाला जो व्लॉग आने वाला ना, बड़े मस्त तरीके का आएगा, क्योंकि भाई कल तरीके का व्लॉग है,
इसको खा लेते यार तुम लोग, माशाल्लाह बोल देना यार, नजर नहीं लगा हुआ यार, तुम लोग खा लेना, मैं बना के भेज दूंगा तुम्हें। नहीं भाई खुद ही बनाना। नहीं कैसे नहीं भेजेंगे आपके सामने? ओ सही यार, मिलते व्लॉग के एंड के अंदर तुम लोग देख सकते हो क्या सैंडविच बनाया है यार मैंने, उसको तो मतलब इसे छोड़ दो, लेकिन ये जो सैंडविच बनाया ना, ओए 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 ओए।